देखो देखो गाइस, डस्ट देखो डस्ट। थोड़ा धीरे जाएंगे, अगर गिर गए गलती से, पैर फिसल गया ना, तो हम लोग का गेम हो जाएगा खत्म। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सोच रहे होगे कि अभी फिलहाल मैं कहाँ हूँ। थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि ऊपर चढ़ के आया हूँ अभी। तो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ हूँ, और पूरा यहाँ से वहाँ तक सीधा रोड ही दिखता है। अभी चलते चलते आया और मैं अभी थक गया हूँ। तो आपको बता दूँगा गाइस कि मैं अभी जा रहा हूँ कोरबा अपने मामू के पास, और मेरी छोटी वाली बाइक जो है, जो छोटी बाइक है, उसको भाई को देने जा रहा हूँ कोरबा। तो एक लाइन दिखा मेरे को, पत्थर वाली लाइन, लाइने लाइन जब कोरबा जाओगे रतनपुर से तो पत्थर वाली लाइन दिखती है, बस वहीं पास हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ, देखना जरा, ये देखो ये जो लाइन है आपको दिख रहा होगा, और ये लाइन देखो, यहाँ से सीधा पत्थर ही पत्थर है। और रास्ता देखो गाइस, ठीक वो खड़ी है मेरी छोटी सी बाइक, और इधर भी छोटा रास्ता है। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ पत्थर के बीच में, बीचों बीच पत्थर है और रास्ता ऐसे है ऐसे। और बने रहना व्लॉग में, कोरबा जा रहा हूँ, छोटी सी बाइक है, कुछ नहीं कह सकते, कुछ हो जाए, तब तक से देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल मैं स्वेटर पहन लेता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि राइड करने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत जा रहा है, और हो सकता है साउंड नहीं आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, क्योंकि अभी माइक नहीं लिया हूँ मैं, लूँगा थोड़ा सा, आईओसो ज़्यादा लग रहा है अभी, ऑटो पे लगता है। देखता हूँ करता हूँ कुछ, अभी स्वेटर पहन लेता हूँ और मास्क वगैरह लगा लेता हूँ। मेन हाईवे है तो अपन रुक नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, अभी मैं पहन लेता हूँ जैकेट अपना। अभी टाइम हो रहा होगा आपका समथिंग 4 के आसपास, और 5-6 के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा। और ये पहाड़ को चढ़ा हूं तो मैं थोड़ा सा थक गया हूं, लाइटिंग कम आ रही होगी थोड़ी, तो ऐसे ही रहने देता हूं। मास्क भी है उसको भी लगा लेता हूं मैं। बाइक मेरी कहाँ पे खड़ी हुई है, ले चलता हूँ आपको नीचे, वो देखो बाइक वहाँ खड़ी है, हमको यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं यहाँ से चलते हैं। थोड़ा धीरे जाएंगे, अगर गिर गए गलती से, पैर फिसल गया ना, तो हम लोग का गेम हो जाएगा खत्म तमाम गाइस। मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर एकदम, वीडियो एडिट करने के बाद उसको देखूंगा। थोड़ा सा कलर का दिक्कत है कैमरे में, और हो सके तो इसको मैं आ गया, देखो यहाँ से आ गया हूँ नीचे, अब वहाँ जाऊँगा। अभी मेरे पास अपने गोप्रो का जो है स्टैंड नहीं है, तो साउंड आ सकता है। ये देखो आ गया हूँ मैं, जूता गंदा हो गया। ये खड़ी है मेरी छोटी बाइक, इसमें आज जा रहे हैं कोरबा में। ये पापा की बाइक थी पहले,
इसको हम लोग चलाते हैं। तो चलता हूँ, अब मेरे को कहीं नहीं रुकना है, मैं सीधा निकलूंगा कोरबा। ये अपना गाइस क्या बोलते हैं, टोल नाका पड़ता है बेलतारा में, कोरबा लाइन NH 130 पे भी मैं चल रहा हूँ। कई शानदार यहाँ पे मेन नेशनल हाईवे 130 दिख रहा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है, देख सकते हो एकदम प्लेन सीधा। अगर बड़ी वाली गाड़ी होती तभी तक भयंकर भगाता, मजा ही आ जाता, लेकिन इसको नहीं भगा सकते, पापा की बाइक है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और यहाँ पास का नज़ारा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले तो मैं ये सब जंगल और सीक्वेंस से पेड़ कभी देखा नहीं था, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा अभी, देखना। ये देखो गाइस, ये जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, एक नंबर सीक्वेंस से लगी हुई है, एक नंबर सीक्वेंस से लगा यहां से वहां तक, अच्छा दिख रहा है। और इधर भी पेड़ है, जंगलें हैं बहुत सारी, और ये मेन हाईवे है। अभी मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ना नींद आ रहा था, इसके कारण मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुका हूँ। मेरे को दूर दूर तक अभी दुकान नहीं दिखा, क्योंकि थोड़ा सा पानी मेरे को पीना था, तो अभी तक तो मेरे को नहीं दिखा है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि हमको दुकान देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, और कितने दूर में क्रॉसिंग और कितने दूर में स्टॉल वगैरह रहता है वो सबका नॉलेज तो अभी नहीं है। खैर देखते हैं मेन हाईवे में कुछ मिल जाए। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा थक गया हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा अभी लगातार 50 किलोमीटर तक गाड़ी में चला रहा हूँ। यहाँ से 50 किलोमीटर अभी और बचा है, तो मेरे को अभी जाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कहीं भी रुकेंगे। गाइस कोरबा शहर, जिला कोरबा में हम लोग एंटर हो चुके हैं, और भाई घुसते ही आपको पता चल जाता है भाई कि हाँ कष्ट इतना है ना, कि पता चल जाता है कि भाई कोरबा सिटी आ चुका है। तो फिलहाल अभी कोरबा सिटी से हो चुके हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर बचा है कोरबा, तो चलते हैं आगे। अभी मेरे ख्याल से कुछ गाँव लिखा है छुरी करके, वहीं पहुंचे हैं, मिलते हैं आगे, देखते हैं अभी कौन कौन सा शहर पड़ता है।
देखो देखो गाइस, डस्ट देखो डस्ट। भाई डस्ट बहुत है यहाँ पे। अरे यार रुक दिया यार, अरे किधर जाना है? एक हैंडल में गाड़ी चला रहा हूँ भाई। अरे यार क्या कर रहा है ये? इधर जाए। डस्ट है भाई, ये पता नहीं कहाँ आई हूँ। इधर जाना है, एक बार पूछ लेता हूँ भाई किसी से यार। यहाँ पे लिखा हुआ है कोरबा शहर, तो आपको सीधा सिटी के अंदर जाना है गाइस। तो चले रहो भाई, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे, अंधेरा भी हो चुका है, चलते हैं फिर। अब किधर जाना है ये पता नहीं कौन सा एरिया है, और फिलहाल सीधे चल रहा हूँ मैं। इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है, इधर भी मेरे को फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, इधर तो कुछ खास समझ में आ रही नहीं है, तो सीधे सीधे चले जा रहा हूँ। गोरबा रोड तो है फिलहाल, एक कॉलोनी है, ये कॉलोनी होगा शायद। धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। ज़्यादा दूर तो नहीं है लगता है मेरे को, सिटी पास में है यार। सामने एक बड़ी सी चिमनी है, वो भी आपको दिखा रहा हूँ, बस बने रहना ब्लॉग में, स्किप मत करना, आगे मत बढ़ाना, नुकसान हो जाएगा नहीं तो। देखो यहाँ पे बहुत धूल डस्ट है यार सच में। ये देखो एनटीपीसी यहाँ बस, और ये इसके बगल में पावर हाउस, और किधर है ये सामने बीचों बीच रास्ता यहाँ से गुजरा रहा है। बहुत दूर, बहुत 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 ज्यादा डस्ट है, बहुत धूल है भाई, भयंकर धूल है। आपको एकदम पास से नजारा दिखता हूँ, देखना पास से दिखाऊं, ये देखो बाट भाई साहब, बहुत खतरनाक भाई। और उधर भी है, उधर देखो ये कोरबा चांपा शहर, यहाँ से स्टार्ट हो गया। आवाज सुनो यहाँ पे, अभी फिलहाल पता नहीं कौन से एरिया में है हम लोग, और भाई साहब बहुत कतई जहर माहौल है यहाँ पास। अभी ये शायद तक पानी वाला जगह होगा, आप तो रुक के मैं वीडियो बनाऊंगा, पानी देखो पानी रुकने रहे। मैं यहाँ पास थोड़ी रुकता हूँ गाड़ी, मैं पूरा सीन लेता हूँ यहाँ पास का। ये देखो गाइस, मेरे को डर पता नहीं किधर जाना है, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फोन में चेक करता हूँ कहाँ जाना है। मेरे को जाना है ट्रांसपोर्ट नगर,
ये पानी पार करके जाना पड़ेगा इधर। चलते हैं। ये देख सकते हो व्यू, और इधर तो भाई पूरा धूल की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है ना? कुछ नहीं दिख रहा है। दिन में रहता तो अच्छा वीडियो बन जाती, रात हो गया ना, कुछ अच्छा दिख भी नहीं रहा है। तो हे गाइस, मिलो मेरे मामू से। ठीक, इन्हीं के लिए मैं आया हूँ कोरबा, और कोरबा आया था ये वाली बाइक देने। देखो ये पुरानी बाइक है, छोटी बाइक, और ये मामू का रूम है। फिलहाल कोरबा सिटी में लोग पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं आगे, फिर मामू का रूम दिखाते हैं, लड़कों का रूम कैसा होता है। ले दिखाऊंगा। तो गाइस, धूल डस्ट बहुत है यहाँ। बताऊँ, बाहर तो ठीक है, रोड में था 30 किलोमीटर पहले तो कोई धूल डस्ट नहीं, एकदम फ्रेशनेस आ रहा था एकदम। उसके बाद जब घुसता हूँ मैं, उसके बाद जो धूल पड़ा है भाई, समझ में नहीं आया कैसा। यही देखो गाइस, अब यहाँ से बंद करते हैं ब्लॉग को। सो हे फैमिली, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? आज सुबह, मतलब कल रात हो गई थी तो थोड़ा बनाते नहीं बनता था, और अभी सुबह हो गई है तो सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, नाश्ता करने जाएंगे बाहर। और कोरबा सिटी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से तो अभी तक प्लांट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा 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 दूर में, ज़्यादा नहीं है। और ये ट्रांसपोर्ट नगर अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखो उधर पूरा ट्रक वगैरह लगी हुई है, जितना है यहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, सामान वगैरह जो भी कोयला वगैरह होता है ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ से शहर सिटी लग जाता है। और इधर जाओगे तो मैं एक प्लांट आपको दिखा देता हूँ, प्लांट सामने ही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो भी दिखा देता हूँ आपको। सामने दिखाई दे रहा होगा, एक ही प्लांट, अभी एक ही चिमनी दिख रहा है, और खैर दूर दूर में है अभी। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को फैला देना गाइस, क्योंकि आपका भाई मेहनत कर रहा है, व्लॉग बना रहा है। तो कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।